जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनका परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, वो फॉरेन कंट्रीज में खेल चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स में उन कैरियर कैसे बना सकते हैं, खेल के बारीकियों के बारे में वो बताएंगे। उनका मेजर गेम फुटबॉल है, फुटबॉल के बारीकियों में बताएंगे। आप इनको आसानी से गूगल पे सर्च कर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। नाम है मनीष मैथानी। सर, सर आप सर कहाँ क्या क्या खेले हैं सर आप? सबसे पहले तो यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष मैथानी है और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाड गेम्स 2010 गांगजाओ, उसके बाद 2009 सैफ कप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एएफसी चैलेंज कप श्रीलंका और बहुत सारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स में मैंने अपना प्रतिभाग किया। और साथ ही साथ मैंने प्रोफेशनल करियर भी है मेरा 14 से 15 साल का, जिसमें मैंने भारत के बड़े बड़े क्लब्स जैसे मोहन बगान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ISL में इंडियन सुपर लीग, इंडियन नेशनल क्लब, हिंदुस्तान क्लब में खेला है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं हमारे छोटे भाई चंदन के साथ हूँ और यहाँ खेल की बारीकियों को बताने के लिए आप सबका थोड़ा मदद कर सकता हूँ। सर हमें उसके बारे में बताइए, जो मैंने स्पोर्ट्स में आपको टीवी पे देखा था 10 स्पोर्ट्स में, जिसमें शायद ऋतिक रोशन की टीम से, आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ देखिए, वो एक इंडियन सुपर लीग है जो आज की मतलब जो IPL की तर्ज पर फुटबॉल की लीग चल रही है और इसका आजकल प्रसारण भी हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जरूर देखें। एक्चुअली वो एक इंडिया का सबसे टॉप लीग है आज की डेट में, जहाँ पे विदेशी और अपने देश के बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, जो एक इंडिया का सबसे ऊँचा स्तर है। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है और एक प्रोफेशनल प्रोसेस में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप एक छोटे लेवल से अगर आप इस प्रोसेस में रहेंगे तो डेफिनेटली आप अगर उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक दिन ज़रूर बड़े लेवल पर पहुँचेंगे और भारत का क्लब, भारत का नाम और अपने बड़े बड़े क्लब में भी ज़रूर खेलेंगे। जो बच्चे फुटबॉल में कैरियर बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल अभी फुटबॉल के बारे में जानते नहीं है लेकिन उनको रुचि है खेलना चाहते, तो वो कैसे आगे बढ़े, क्या करे, वो किस क्लब में जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटा बच्चा कम से कम 6 से 7 साल का बच्चा है, वो खेलना चाहता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को लेकर उसको जाना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कहीं भी अकेडमी ज्वाइन कीजिए, जहाँ खेल होता है वहाँ जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी